दोस्तों, अगर आप भी शॉर्ट वीडियोस बनाते हो और आपको बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं आती कि शॉर्ट वीडियोस के एडिटिंग करते कैसे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि कैसे आप काइन मास्टर से इजीली प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं शॉर्ट वीडियोस की। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आप में से दोस्तों 99.1% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर दोस्तों आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड इमेज जो आपको दिख रहा है फ़ोन के पीछे वाला, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और इसे थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। तो इसको दोस्तों करना कैसे, इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद दोस्तों आपको ओपन कर लेना, आप क्या है गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सर्च बॉक्स में आ जाना है। सर्च बॉक्स में दोस्तों आपको टाइप करना है ओवरहेड टेबल। दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको कुछ दोस्तों सजेशन में दिख जाएगा, तो आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं या फिर दोस्तों आपको लिख देना ओवरहेड टेबल। जैसे ही आप दोस्तों लिख देंगे उसके बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको दोस्तों इमेजेस का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको नीचे स्लाइड करते जाना है और दोस्तों आपको नीचे देख सकते हैं आपको वेबसाइट का भी नाम दिखेगा, जो भी इमेज रहेगी उसकी वेबसाइट का नाम आपको नीचे दिखेगा। तो दोस्तों आपको ऐसा ढूंढना है जिसके नीचे शटर स्टॉक लिखा हो, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, यानी थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे आपको दोस्तों एक शटर स्टॉक का दिख जाएगा, तो उस इमेज पे आपको दोस्तों क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करते ही अब आपको नीचे जितनी भी इमेजेस दिखेंगी वो सभी शटर स्टॉक की दिखेंगी, तो आपको जो भी पसंद आए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वरना सी मोर पे जाके आपको ये भी सभी भी जो भी दिखेंगी ये सभी शटर स्टॉक की है, तो आप सी मोर पे जाके यहाँ पे आपको जो भी पसंद आए यहाँ पे दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो इमेज दिख रही है उस पर होल्ड किए रहना है, फिर आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है। इमेज डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे दिखेगी। यहाँ पे नीचे आपको शटर स्टॉक दिख रहा होगा, पर मैं इसे अभी आपको क्रॉप करके दिखाऊंगा। अब दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है दोस्तों पॉइंट ब्लर। इसकी दोस्तों आपको खास जरूरत नहीं है, बस आपको इसको ब्लर करने के लिए जरूरत है, तो आपको डाउनलोड कर लेना पॉइंट ब्लर। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एडिट का ऑप्शन आएगा, इस पर जाना है। फिर जो अपनी इमेज अभी डाउनलोड की इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, जो व्हाइट सा है ना इसको क्रॉप कर लेना है जहाँ शटर स्टॉक लिखा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ राइट टिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फोन को रोटेट करके देखें, तभी दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये थोड़ा फॉन्ट आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ आप नीचे लाइन देख सकते हैं, इसको आपको फुल कर देना, इससे आपके ब्रश का साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आप ब्लर कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा दोस्तों जो ब्रश की लाइन है इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 तक है, यानी आप 5 तक ब्लर कर सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट है जिसमें दोस्तों आप जितना ब्लर रखना चाहे, तो 5 पे तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खराब लगेगा क्योंकि पूरी बैकग्राउंड इमेज ही ब्लर हो जाएगी, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इसे 3 या 4 पे रख के दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर से और व्हाइट कलर में, तो व्हाइट कलर दोस्तों पूरे 5 है और जैसे रेड कलर हुए तो देखिए दोस्तों अगर 3 तक है तो आप 3 पे हैं और 4 पे रेड कलर हुआ तो 4 होंगे। तो दोस्तों आपको 3 या 4 पे रख के जो कलर है उसको ब्लर कर रहा है। दोस्तों कलर ब्लर होने के बाद अगर आपसे कोई गलती हो गई तो यहाँ पे आप अंडू रीडू भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अगर कोई गलती हो गई तो आप अंडू कर सकते हैं। तो बस दोस्तों हमें जितने अपनी इमेज को ब्लर करना था हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सेव करने पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक 3 से 4 सेकंड का ऐड देखने को मिल जाएगा, तो आपको ऐड फुल वॉच कर लेना। जैसे आप ऐड को फुल वॉच कर लेंगे अपने आप दोस्तों ये फोटो गैलरी में सेव हो जाएगी, फिर आप वहाँ जाके चाहे तो देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पहला काम तो हो चुका है कम्प्लीट। अब हमारी फोटो एडिटिंग तो कम्प्लीट हो चुकी है। अब चलिए काइन मास्टर ऐप पे चल के वीडियो एडिट करना मैं आपको सिखाता हूँ। तो आपको काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है। दोस्तों ये मेरे पास अपग्रेडेड वाला है, अगर आपके पास पुराना वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे भी एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये अपडेटेड है, तो आप भी अगर चाहे तो अपडेट कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। फिर आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप शॉर्ट वीडियो बना रहे, इसलिए आपको रेशियो 9:16 सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास अपग्रेडेड काइन मास्टर है तो यहाँ पे नीचे आपको सेटिंग्स दिखेंगे, इसको दोस्तों आपको छूना भी नहीं है। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपसे मीडिया में आ जाएंगे, यानी आपको यहाँ पे अब वॉल इमेज सेलेक्ट करनी है जो हमने ब्लर करके एडिट की थी, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हमें जो इमेज है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको दूसरे नंबर पे कैंची के बगल में एक पैन एंड जूम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको जो इक्वल टू वाला है इस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों अपने हाथों से यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे इमेज को एडजस्ट कर लेना है कि पूरे स्क्रीन के साइज़ का हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत लग सकती है, तो आप आसानी से कर लीजिएगा, वरना आप फुल स्क्रीन में भी ये करके चाहे तो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आसानी से एडजस्ट हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा दोस्तों छोटा कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ छोटा कर लिया। अब आपकी जितनी बड़ी वीडियो बनानी है उतना बड़ा दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना। तो देखिए मैंने यहाँ पे 30 से 35 सेकंड की मेरी वीडियो है, तो मैं यहाँ पे टाइम सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मैंने 38 सेकंड तक लगभग कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको लेयर पे जाना है और फिर जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, यानी अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोस्तों जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, तो इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना, वरना फिर दोस्तों जो बैकग्राउंड है वो छिप जाएगा,
तो हमारा ब्लर इफेक्ट है वो अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों कुछ ऐसा हो चुका है, अब आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसकी ऑडियो जो है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय गलती से रिकॉर्ड हो गई उसको मैं जीरो कर लेता हूँ। पर अगर आपने प्रोफेशनल वॉइस एडिटिंग की है, यानी दोस्तों अगर रिकॉर्ड करते समय वॉइस ओवर किया है, तो आप इसको म्यूट मत कीजिएगा। फिर दोस्तों लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मैंने आपको एक PNG का लिंक दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे जितनी PNG मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जो PNG है वो कुछ इस टाइप से है। मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये एक हाथ में स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसी PNG है। अब इसका दोस्तों आपको साइड एडजस्ट कर लेना है, अपने मर्जी से ही करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको देखना है कि जो फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के पीछे वाला जो भाग है वो दोस्तों ज़्यादा ना निकले, यानी जो भी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी वो फ़ोन के अंदर ऐसा लगे कि एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको ये बड़ा साइज़ करके देख लेना है कि यहाँ पे कहीं बाहर तो नहीं निकल रहा। तो ये देखिए हमारी काफ़ी परफेक्टली हो चुकी है। अब इसको हम पूरी वीडियो के एंड तक ले जाएंगे, जहाँ तक हमारी वीडियो है। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमने यहाँ तक ले आया है और ये हमारी एंडिंग हो चुकी है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि पूरी वीडियो का एंड तक ले जाना, शुरू में ही नहीं छोड़ देना है। फिर राइट टिक करना है और दोस्तों अगर गलती से कहीं कम ज़्यादा हो जाए तो आपको ट्रिम वगैरह कर लेना है कि आपकी वीडियो और जो सभी बैकग्राउंड या फिर जो भी इमेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं सभी का साइज एक ही साथ रहे। तो देखिए हमारा हर चीज़ तो कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से दोस्तों हमें लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, मीडिया पे जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने एक इमेज है जो सेलेक्ट कर रखी है। दोस्तों दरअसल ये इमेज नहीं है, एक PNG है। और दोस्तों इसको हमने इसलिए बनाया कि कोई अगर हमारी वीडियो कॉपी करे तो दोस्तों वहाँ पे हमारा वाटरमार्क या फिर कहीं लोगो वगैरह आ जाए, जिससे दोस्तों हम आसानी से अपनी वीडियो को ढूंढ सके और अगर कभी फ्यूचर में कॉपीराइट वगैरह देना हो तो हम आसानी से दे सकें। तो दोस्तों ऐसा बनाना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा इसी वीडियो में। बट दोस्तों अभी आप देख लीजिए इसको ऐसे पूरा एंड तक ले आना है फुल स्क्रीन करके। बस दोस्तों यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ देखिए हमारी वीडियो एडिट हो चुकी है थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले करके यहाँ पे आसानी से कितना बढ़िया देखने में लग रहा है। अब आपको करना क्या है, अब वीडियो के एकदम दोस्तों एंड में आ जाना है। यहाँ पे आपको वीडियो पॉज कर देता हूँ और जब दोस्तों 5 या 6 सेकंड रहे वीडियो खत्म होने में, यानी अगर 38 सेकंड की वीडियो है तो लगभग 33 यानी 5 सेकंड पहले यहाँ पे आ जाना है। आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। अब दोस्तों मैंने आपको एक और क्रोमा की का दे रखा है जो सब्सक्राइब वाला बेल आइकन है। तो दोस्तों देखिए ये क्रोमा के ऐसा होगा। अब इसमें दोस्तों अगर आप चाहे तो जो इसकी ऑडियो है पहले उसको आपको एडजस्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्लिक करना है इस पर। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी 100% ना रहे, थोड़ी कम रहे, तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों आप कम वगैरह कर सकते हैं। कम करने के बाद दोस्तों आपकी मर्जी है, अगर आप ज़्यादा भी करना चाहे तो कर सकते हैं, पर मैं अभी कम ही रहने दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे नीचे आपको एक क्रोमा की ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आसानी से जो ग्रीन पार्ट था रिमूव हो चुका है। अब इसे दोस्तों आप चाहे जहाँ पे भी वहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं ऊपर की तरफ रख लेता हूँ, आपकी मर्जी जहाँ रखना चाहे वहाँ पर रख सकते हैं। ये देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखिए कितना अच्छे एनिमेशन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ हमारा सारा काम तो हो चुका है, बस आपको एक चीज़ और दोस्तों बताना है। अगर अभी तक आपने वीडियो में वॉइस ओवर नहीं की थी, यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय अगर आपने वॉइस ओवर नहीं किया था, तो आप काइन मास्टर में आके यहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर आपको प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है अपने स्मार्टफोन से, तो मैंने दोस्तों कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो है। आप उसको देखेंगे तो आप काफ़ी अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग करना सीख जाएंगे। अगर आपके पास माइक नहीं है तो वो वीडियो जरूर देखिए। आप केवल छन्नी की मदद से दोस्तों आप प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी स्मार्टफोन से। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आई बटन में लिंक है। इसके बाद दोस्तों ये सब वॉइस ओवर वगैरह करने के बाद आपकी सारी वीडियो रेडी हो जाएगी। फिर दोस्तों आपको करना क्या है, वहाँ ऊपर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, बस जाके दोस्तों आपको अपनी वीडियो का एक्सपोर्ट कर लेना होगा। ये सब काम तो आप कर ही लेंगे। अब जो मेन बात आती है, जो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि अगर आप किसी को कॉपीराइट अगर आपकी कोई वीडियो वगैरह यूज़ करता है, तो जो लोगो हमने बनाया था वाला लोगो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर से पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही ओपन करेंगे तो टेक्स्ट लिखा होगा, तो इसे डिलीट कर लेना है। फिर नीचे आपको देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके जो आपको इमेज साइज है उसको 9:16 कर लेना। तो जो पहला बॉक्स है उसमें दोस्तों पूरा एकदम कट कर लेना और वहाँ 9 लिख देना, और लास्ट वाले बॉक्स को भी पूरा कट कर लेना है और वहाँ पे 16 लिख लेना। फिर ओके कर लेना, तो कुछ ऐसा फ्रेम साइज आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों ऊपर, यहाँ आप देखेंगे साइड में तो ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर आपको प्लस करके फ्रॉम गैलरी में जाना है। फिर मैंने वहाँ पे आपको एक इमेज का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे आप जाके दोस्तों देख सकते हैं। मैंने अभी तक जितनी चीज़ें यूज़ की हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस इमेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो दरअसल दोस्तों ये एक ऐसा है जो बॉर्डर वाला इमेज है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं एक ए बना होगा दोस्तों, यहाँ नीचे देख सकते हैं ए के बगल में एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा रिलेटिव साइज, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो विड्थ है इसको पूरी 100 कर देनी है। जैसे ही आप 100 कर देंगे पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको करना क्या है, इरेज कलर का ऑप्शन है, इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ कलर जैसा बॉक्स दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कलर सेलेक्ट हो जाएगा और राइट टिक कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो ब्लैक कलर था वो रिमूव हो जाएगा।
रिमूव होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आराम से हमारा पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो बॉर्डर वो दिखेगा कैसे। अभी तो ये ट्रांसपेरेंट था इसलिए नहीं दिख रहा है, पर यहाँ दोस्तों मैं आपको कलर लगा के दिखा रहा हूँ। एक देखिए एक व्हाइट कलर का आपको आउटलाइनिंग स्टोरी होगी, बट दोस्तों आपको कलर नहीं लगाना है, आपको ट्रांसपेरेंट ही रहना है। बस मैं आपको दिखाने के लिए जो बॉर्डर है वो इसके लिए मैं कलर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा नहीं। मैं भी यहाँ से ऊपर आपको देखिए रॉन्ग करके दिखा देता हूँ, ये ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। बस मैं आपको दिखा रहा था कि ये बॉर्डर ऐसा दिखेगा। बस दोस्तों यहाँ पे हमारा आधा काम हो चुका है। अब क्या करना है, आपको फिर से गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद दोस्तों आपको जो अपने चैनल है उसका लोगो सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आपको लोगो बनाने नहीं आता, अगर आप कमेंट करेंगे कि लोगो के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको लोगो बनाना जरूर सिखाऊंगा। तो मैं अपने चैनल का लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट टिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको साइज एडजस्ट करना है। दोस्तों आपको पूरा फुल साइज ही नहीं रहना देना जैसा सेलेक्ट हुआ है, आपको इसे थोड़ा छोटा कर लेना है। दोस्तों ज़्यादा छोटा भी मत करिएगा, इतना छोटा सही चलेगा। फिर आपको एकदम कॉर्नर में ले जाना और वहाँ पे आपको रख देना है। रखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पे टच कर देंगे कहीं पे भी, तो वहाँ से देखिए दोस्तों जो एरो था वो रिमूव हो जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। अब चलिए अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन फिर से फ्रॉम गैलरी पे जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद दोस्तों मैंने आपको एक यूट्यूब का PNG है उसका लिंक दे रखा है। वो दोस्तों इमेज आपको करना क्या है, ऐसा इमेज रहेगा, देखिए ये रहा, इस वाली इमेज की तरह रहेगा। बस आपको क्रॉप करके ना जो यूट्यूब का लोगो है वो ले लेना है। तो देखिए दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट्स लिखा था, बस खाली मुझे यूट्यूब का लोगो चाहिए, तो इसको दोस्तों मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए इरेज कलर का ऑप्शन होगा, इरेज कलर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों ये रहा इरेज कलर का ऑप्शन, इनेबल कर देना है, राइट टिक कर देना है। राइट टिक दोस्तों जैसे ही करेंगे यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है वाइट वाइट। फिर स्ट्रोक पे जाके दोस्तों इसे इनेबल कर देना है। फिर जो इसकी स्ट्रोक विड्थ है दोस्तों यहाँ पे आपको 3 या 4 ऐसे ही रखना है, और इसके अलावा व्हाइट रखना है, कोई और कलर मत सेलेक्ट करिएगा। अगर आप पसंद आता है कोई और कलर तो कर लीजिएगा। फिर इसके साइज़ को दोस्तों और छोटा करना है। छोटा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप नीचे करेंगे तो थोड़ा एडजस्टमेंट वगैरह बिगड़ जाएगी, तो आपको ऊपर एक ड्रॉप बॉक्स दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इसको लॉक कर देना, दोनों PNG को जो यूट्यूब वाला है उसके अलावा। इसके बाद आपको नीचे ले आना है। नीचे ले आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ ऐसे रख लेना है। रखने के बाद दोस्तों बस आपका काम हो जाएगा, बस इसको थोड़ा सही से एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रोक विड्थ हम थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए बस इतना बहुत है। अब बस हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद डिलीट कर लेना। फिर आपको दोस्तों जो YouTube.com या फिर किसी और चीज़ के लिए बना रहे तो आप लिख सकते हैं, मैं तो YouTube के लिए बना रहा हूँ, YouTube.com लिख लेना है। YouTube.com लिखने के बाद आपको स्लैश डालना है, और फिर जो भी आपका यूज़र नेम हो या फिर जो भी हो वहाँ लिख सकते हैं। तो मेरे चैनल का नाम है द टेकी, तो मैंने दोस्तों यहाँ पे लिख लिया है। लिखने के बाद दोस्तों आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट का। तो यहाँ पे आपके पास अगर फॉन्ट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कंस्ट्रा फॉन्ट इंस्टॉल करने नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए रखी है, आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट का साइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आपको इसको थोड़ा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद दोस्तों आपको नीचे ले आना है, जो YouTube का शाइन है उसके बगल में आपको इसको लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कलर करके पहले इसमें दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आपको एक कलर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई कलर लगा लेना है, रहने तो देना आपको व्हाइट है, पर मैं आपको दिखाने के लिए कलर कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ व्हाइट व्हाइट है तो आपको अच्छे समझ नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड या फिर ब्लू वगैरह। तो देखिए दोस्तों अभी है तो मेरा व्हाइट ही, पर मैं यहाँ पे आपको कलर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर मैं कलर लगाता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, पर दोस्तों आपको व्हाइट रहने देना याद रखिएगा। बस मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रेड कर ले रहा हूँ। बस यहाँ हमारा पूरा काम हो चुका है। अब आपको जाना क्या है, 3 डॉट पे एक्सपोर्ट इमेज पे, और अपनी इमेज को एक्सपोर्ट कर लेना है। वैसे दोस्तों आपको लगाना तो आ ही गया है, बस यहाँ पे आपको फुल HD में, यानी दोस्तों अगर आप अल्ट्रा में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अल्ट्रा में करने के बाद आपकी इमेज सेव हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इमेज सेव हो जाएगी तो आपको देखने में लगेगी कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लगेगा देखने में। यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको रेड दिख रहा है, पर आपको दोस्तों याद रखना है व्हाइट रखना है वहाँ पे। तो व्हाइट रखने के बाद दोस्तों आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी, वैसे लगाना तो आपको आ चुका है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसको बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी है। दोस्तों 14 मिनट की वीडियो लगाने में कम से कम दोस्तों हमें 2 घंटे का समय तो जरूर लगता है, क्योंकि एडिटिंग वगैरह भी करनी रहती है। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.